नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंगस्टर समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज शुक्रवार को धुंध ने पूरी सफ़ेद चादर जो थी वो दोपहर तक ओढ़े रखी और पूरा का पूरा जो खासकर मैदानी व सीमावर्ती इलाका है वो दोपहर तक धुंध की ओढ़ में छिपा रहा। और हालांकि वीरवार की शाम को ही जो धुंध जो थी वो पड़ना शुरू हो गई और धुंध पड़ने के साथ ही जो सर्दी है उसमें भी बढ़ोतरी हुई और रात भर जो थी वो धुंध पड़ती रही और शीतलहर जो थी उस तरीके से हवाएं चलती रही। और शुक्रवार की सुबह तड़के पूरे का पूरा जो इलाका है, ज़िले का पहाड़ी हो गया, कंडी हो गया, मैदानी हो गया, सीमावर्ती इलाका हो गया, धुंध ने पूरी चादर जो थी वो ओढ़ रखी थी और दोपहर तक कंडी व पहाड़ी इलाके जो थे वो तो धूप निकलने के बाद साफ हो गए, लेकिन दोपहर तक जो ज़िले के सीमावर्ती तहसील रायपुरा है, रामगढ़ है, वो जहाँ के बॉर्डर के इलाके हैं जो वो धुंध की ओढ़ में रहे और दोपहर बाद धूप निकली और लोगों को थोड़ी सी जो है वो राहत मिली। हम आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में जो बसंतर दरिया है या देवका है उनके जो आसपास के इलाके हैं उनमें ज़्यादा धुंध पड़ती है और पूरी सफ़ेद चादर जो है महीना डेढ़ जो है वो दौर चलता है। शहर को धूप निकलने से यहाँ लोगों ने राहत की सांस ली और इसके साथ ही सर्दी में भी जो है वो बढ़ोतरी हुई है और एक किस्म से शीतलहर जो हवा जो चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और सर्दी ने भी जो है वो जोर पकड़ लिया है। और हमारी लोगों से भी ये अपील है कि वो सर्दी के मौसम में अपने आप को सर्दी से बचाएं, बचाव रखें, क्योंकि बीमार होने का भी डर रहता है और ख़ासकर बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो अपना खास ख्याल रखें और सर्दी से बचाव ही जो है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है।